नमस्कार, निशामधुलिका.com में आपका स्वागत है। आज हम गुजिया बनाएंगे। गुजिया होली की खास मिठाई है। इसे अनेकों तरह से बनाया जाता है। हमने भी बहुत सारे प्रकार की गुजिया बनाई है। आज हम सूजी मावा की गुजिया बनाएंगे और इसमें हम थोड़े से मसालों का भी यूज करेंगे। बहुत ही टेस्टी गुजिया बनकर तैयार होंगी, तो आइए शुरू करते हैं। गुजिया बनाने के लिए सबसे पहले हम मैदा से डो बनाकर तैयार करेंगे। ये हमने 2 कप मैदा लिया है। मैदा में हम बीच में थोड़ी सी जगह बना लेते हैं और ये 1/4 कप घी है। अच्छे तरीके से मिला देंगे। हम इसे हाथ से मिला लेते हैं। ये जो मैदा में हमने घी डाला है उसे मोयन बोलते हैं, और मोयन मैदा की मात्रा का 1/4 भाग डाला जाता है। जैसे हमने 250 ग्राम मैदा ली है तो इसमें हम 60 ग्राम घी डालेंगे। तो ये हमने अच्छे तरीके से मिला लिया। इसे हम बाइंड भी करके देख सकते हैं। हमारा अगर मोयन मैदा में सही पड़ा हुआ है तो ये बड़े अच्छे तरीके से मैदा बाइंड होने लगती है। अब हम मैदा में थोड़ा थोड़ा पानी डालकर गूथेंगे, और जब हम मोयन घी का डालते हैं तो पानी हल्का गर्म लेते हैं। अब हम थोड़ी सख्त मैदा गूथ कर तैयार करेंगे। हमें इतनी सख्त मैदा गूथनी है कि हमें बेलने के लिए ना आटे की ज़रूरत पड़े ना घी की ज़रूरत पड़े। जैसा पूड़ी के लिए गूंथते हैं, बस उससे थोड़ी सी ज़्यादा सख्त होनी चाहिए। लेकिन पानी बिल्कुल थोड़ा ही थोड़ा डालेंगे ताकि हमारी मैदा नरम ना हो जाए। ये हमने थोड़ा सा सख्त आटा लगाकर तैयार कर लिया है, और इतना आटा लगाने में 1/2 कप से भी थोड़ा कम पानी लगा है। इसे हम ढककर 20-25 मिनट के लिए रख देते हैं। हमारा आटा सेट हो जाएगा। इसके बाद गुजिया बनाएंगे, और तब तक हम गुजिया के लिए स्टफिंग बनाकर तैयार करेंगे। स्टफिंग बनाने के लिए हम पैन गरम कर लेते हैं। इसमें हम 2 टेबल स्पून घी डालेंगे। घी मेल्ट होने के बाद हम इसमें सूजी डाल देंगे, और सूजी को लगातार चलाते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। गैस मीडियम कर लेंगे। सूजी का कलर चेंज हो गया है, ब्राउन हो गई है और अच्छी खुशबू आ रही है। सूजी भून गई है। सूजी को हम प्याले में निकाल लेंगे। थोड़ी देर तक चलाते रहते हैं। कढ़ाई गर्म है। ये हमने 3/4 कप बूरा ले लिया है। शुगर पाउडर ले सकते हैं। इसको मैं प्याले में पहले ही डाल लेती हूँ क्योंकि मुझे स्टफिंग इसी में बनानी है। तो ये जो सूजी है भुन गई है, वो मैं इस शुगर के ऊपर ही डाल देती हूँ। अब हम ये ड्राई फ्रूट भूनेंगे। तो ये हमने 10-12 काजू ले लिए हैं, काट कर पैन में डाल देते हैं। और ये हमने 10-12 बादाम ले लिए हैं। इनको हम लगातार चलाते हुए बिल्कुल 1-2 मिनट भून लेंगे, जिससे इनका स्वाद और खुशबू दोनों बढ़ जाते हैं। इन्हें हमने 1 मिनट भून लिया है, और अब हम इन्हें इसी प्याले में डाल देते हैं। और ये हमने 1/3 कप ग्रेट करके सूखा नारियल लिया है। इसको भी हम हल्का सा भून लेंगे। इसको हमने बस 1/2 मिनट गरम कढ़ाई में लगातार चलाते हुए भून लिया है। इसमें खुशबू आने लगे, और ये भी हम इसी प्याले में डाल देते हैं। अब हम मावा भूनेंगे। 125 ग्राम मावा लिया है। मावा को क्रम्बल करके पैन में डाल देते हैं, और लगातार चलाते हुए हल्का सा कलर चेंज होने तक इसे भूनेंगे। गैस मीडियम रखेंगे। मावा का कलर चेंज हो गया है, अच्छी खुशबू आ रही है। मावा भूनकर तैयार है। 1 टेबल स्पून किशमिश लिए हैं। ये इलायची को हम छीलकर दरदरा पाउडर बनाएंगे। इसे हम हल्का सा क्रश कर लेते हैं ताकि ये जल्दी से छिल जाएंगी। तो ये हमने एकदम दरदरी इलायची कूटी। अब हम ये हमने 11 काली मिर्च लिए हैं। इन्हें भी हम एकदम दरदरा कूट लेते हैं। ये काली मिर्च, ये नटमेग को हम ग्रेट करके डाल देंगे। ये हमने 1/2 नटमेग ग्रेट करके ले लिया। सारी चीज़ों को मिलने तक मिलाएंगे। ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से मिल गई हैं। स्टफिंग तैयार हो गई है। 25 मिनट हो गए हैं। हमारा आटा भी सेट होकर तैयार है। आटे को हम थोड़ा सा मसल लेंगे, और अब हम आटे से छोटी छोटी लोइयाँ तोड़कर तैयार करेंगे। आटे को हम इस तरीके से 2 भागों में डिवाइड कर लेते हैं, और इसको लंबाई में
इस तरीके से बढ़ा लेते हैं। अब हम छोटी छोटी लोइयां तोड़ लेंगे। ये लोइयां हमने तोड़ ली हैं, इन्हें हम ढककर रखेंगे ताकि ये सूखे ना। एक आटे का टुकड़ा उठाएंगे, इसे मसलते हुए गोल लोई तैयार करेंगे बिल्कुल पेड़े की तरह से। और अब हम इसे पतला 3 से 4 इंच की ब्यास में किनारे को दबाते हुए बेलेंगे। हमारी जो गुजिया की पूरी है वो बीच में से पतली और किनारे से मोटी नहीं होनी चाहिए, एक जैसी बिलकर तैयार होनी चाहिए। ये गुजिया बनाने का मोल्ड है, इससे हम गुजिया तैयार करेंगे। इससे बहुत जल्दी हो जाती है और एक जैसी गुजिया बनकर तैयार होती हैं। ये पूरी हम मोल्ड के ऊपर इस तरीके से रखेंगे कि नीचे का भाग ऊपर की ओर आए। इसमें हम 2 चम्मच स्टफिंग डालेंगे। स्टफिंग बीच में ही रखेंगे, किनारे पर नहीं जानी चाहिए। और थोड़ा सा पानी पूरी के चारों ओर लगाएंगे और ये मोल्ड को हम बंद कर देंगे। चारों तरफ से अच्छी तरह से दबाएंगे और जो एक्स्ट्रा आटा है उसे हम हटा देंगे। मोल्ड को खोलेंगे और गुजिया को निकाल कर हम प्लेट में रख लेते हैं। और जो ये आटा हमने एक्स्ट्रा हटाया था उसे हम थाली में अलग कोने में रखते जाएंगे। बाद में जब आटा ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा तब हम उसकी भी गुजिया बना लेंगे। तो इस तरीके से हमें सारी गुजिया बेल कर भर कर तैयार करनी है। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम 5-6 पूरियां बेल लें और बेल कर प्लेट में रख लें, इसके बाद हम इन्हें भर लें। ये मोल्ड हमने लिया है, इसको हम थोड़ा सा इस तरीके से ऊपर की ओर झुका लेंगे और पूरी वही नीचे की साइड ऊपर करते हुए रखेंगे, क्योंकि ये हल्की सी नरम होती है, इसमें नमी होती है नीचे की साइड से, तो चिपकने में आसानी रहती है। ये सारी गुजिया हम भरकर तैयार कर लेते हैं। ये सारी गुजिया हमने बनाकर तैयार कर ली और इतने आटे से हमने 24 गुजिया बनाई हैं। हमने 21 लोइयां तोड़ी थी, 3 गुजिया और ज़्यादा हो गई, क्योंकि जो इनकी कटिंग बचती है उससे भी गुजिया बना लेते हैं। कटिंग अगर थोड़ी सी सूखी लगे, क्योंकि थोड़ा थोड़ा आटा निकलता है फिर उसे रखते हैं, तो हल्का सा आप हाथ में पानी लें और उनको मसल कर आटे को एकदम सॉफ्ट बना लें, उससे भी बिल्कुल वैसी ही गुजिया बनकर तैयार हो जाती हैं। अब हम इन्हें तलेंगे। ये थोड़ी सी स्टफिंग बच गई है, स्टफिंग को हम कसार बोलते हैं। तो अगर घर में बच्चे हैं तो बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो चम्मच से इसे ऐसे ही खा करके तुरंत ख़त्म कर देंगे। और आप इसे फ्रिज में 10-15 दिन तक रख सकते हैं, यानी जब भी आपको टाइम हो तो फिर से थोड़ा सा डो लगा करके गुजिया बना सकते हैं। गुजिया तलने के लिए हम घी गरम कर लेते हैं। घी गरम हो गया है, मीडियम गरम घी चाहिए, तो एक गुजिया हम डालकर घी में देख लेते हैं। गुजिया तली जा रही है, आग धीमी कर देंगे। कढ़ाई में जितनी गुजिया आ जाएं उतनी हम डाल देंगे। गुजिया नीचे की ओर से थोड़ी सिक गई है, हम इन्हें पलट देते हैं और हम इन्हें पलट पलट कर दोनों ओर से अच्छी गोल्डन ब्राउन होने तक तलेंगे। आग धीमी और मीडियम रखेंगे। गुजिया गोल्डन ब्राउन हो गई है, सिककर तैयार है। गुजिया को कलछी से उठाएंगे। कलछी को कढ़ाई के किनारे पर थोड़ी देर के लिए रोक लेंगे ताकि एक्स्ट्रा तेल कढ़ाई में वापस चला जाए। निकाल कर हम प्लेट में रख लेते हैं। सारी गुजिया इसी तरीके से तलकर तैयार करेंगे। हमने सारी गुजिया तलकर तैयार कर ली हैं और एक बार की गुजिया तलने में 8 से 10 मिनट लग जाते हैं। हमारी सूजी मावा की गुजिया बनकर तैयार है। बहुत ही टेस्टी गुजिया बनी है और बड़ी आसानी से बन जाते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। जब आप कसार बनाएंगे तो बहुत आसान है, सारी चीज़ों को प्रॉपर तरीके से भूनना है और मिला देना है। डो लगाते समय ध्यान रखना है कि डो बहुत ज़्यादा नरम या बहुत ज़्यादा सख्त नहीं होना चाहिए। डो ऐसा होना चाहिए जो कि बिना आटा लगाए या बिना तेल लगाए आसानी से बेला जा सके। इसके बाद जब आप पूरी बेलेंगे तो एक जैसी बेलें। भरते समय ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा कसार उसमें नहीं भरना है, क्योंकि ज़्यादा कसार हो तो भी गुजिया फटने के चांसेज हो जाते हैं। या फिर कसार गुजिया के किनारे पर आ जाए, जहाँ से हमें गुजिया चिपकानी है,
तो वहाँ से तलते समय गुजिया खुल सकती है और कसार घी में आ सकता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, गुजिया पर चम्मच या अपना नाखून कुछ नहीं लगना चाहिए ताकि उसमें ऐसा कोई छेद ना हो जो कि तलते समय गुजिया का कसार घी में बाहर निकल आए। लेकिन बाय चांस अगर कुछ ऐसा हो जाए तो आप तलते समय से देख लें कि इसमें से कसार बाहर आ रहा है, तो उस गुजिया को तुरंत बाहर निकाल कर रख दीजिए और उसे लास्ट में तलिए ताकि हमारा घी ख़राब नहीं होगा। एक बार कसार घी में निकल जाए तो दूसरी गुजिया पर वो चिपकने लग जाता है और गुजिया उतनी अच्छी नहीं दिखती। अगर आप अकेले गुजिया बना रहे हैं, इन्हें बनाने में टाइम लगता है, तो 2 कप आटे का डो बनाएं, कसार आप ज़्यादा बनाकर रख लें पहले से, और आराम से इसी तरीके से गुजिया बनाकर तैयार कर लें। अगर 2 लोग हैं तब तो आप 1 किलो मैदा से भी डो लगाकर गुजिया आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि एक कोई बेलेंगे और दूसरे भरेंगे और गुजिया आसानी से बनकर तैयार हो जाएंगी। गुजिया को पूरी तरह ठंडा होने के बाद किसी भी कंटेनर में भरकर रख लीजिए, इन्हें पूरे 15 दिन तक खाते रहिए, बहुत अच्छी लगती हैं। तो आप ये गुजिया बनाइए, खाइए और अपने अनुभव nishamadhulika.com पर शेयर कीजिए। एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।